हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आवर शॉप जावट करोलबाग में। चेक कर सकते हैं आज आपके लिए हम दो XUV700O की मॉडिफिकेशन लेके आए हैं। एक हमारी वाइट रहने वाली और एक हमारी ब्लू। क्या कुछ अपग्रेड है दोनों में, अच्छा खासा अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके चेक कराऊंगा किस गाड़ी में क्या काम हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी में क्या कुछ अपग्रेड है। तो इसमें यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रोम लगाया है, चेक कर सकते हैं। हैंडल क्रोम लगा दिया है यहाँ पे, साथ में यहाँ पे लोअर गार्निश लगाई है, चेक कर लीजिए फिनिशिंग कितनी अच्छी तरीके से दी गई है। उसके बाद हमारा डोर वाइजर लगाया गया, ये भी चेक कर लीजिए, ये भी हमारा क्रोम वाला रहने वाला है, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, इसमें इंटीरियर से मेन काम हो रहा है और साथ में यहाँ पे हमारा लगाया गया है फुटरेस्ट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहने वाली है और साथ में मजबूती भी इसकी बहुत अच्छी है, चेक कर लीजिए। आफ्टर मार्केट हमारा रहने वाला है। XUV700O की बेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। किसी भाई को जेन्युइन लगाना है तो जेन्युइन भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको तीन चार अच्छी क्वालिटी और देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे स्टीयरिंग रैप यहाँ पे सिला जा रहा है, जो कि मून डिज़ाइन के अंदर अपना रहने वाला है। ब्लैक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में हमारा बहुत अच्छी लुक निकल के आ रही है। उसके बाद फिनिशिंग दिखा दूंगा आपको, ये तो अभी खाली हमारा ऐसी सील रहे, बाकी इसकी फिनिशिंग एंड में चेक कराऊंगा किस तरीके से रहने वाली है। पूरा OEM तरीके से यहाँ पे सिला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे सीट कवर लगाए गए हैं, जो कि पूरी टॉप मॉडल लुक में रहने वाले हैं, चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद किसी भाई को यहाँ पे सीट कवर कस्टमाइज बनवाने हैं तो आप सीट कवर कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे हमारी एम एंड लाइट लगने वाली है, जिसकी लुक और गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्हेंस हो जाती है। और साथ में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पियानो वाले पार्ट्स भी लगाए जा रहे हैं, जो कि हमारी इंटीरियर किट होती है, चेक कर सकते हैं। पूरे ग्रैब हैंडल्स वगैरह जो भी है सब यहाँ पे पियानो में लगाया जाएगा। तो इस गाड़ी में तो बेसिकली यही कुछ काम चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी में, दिखाते हैं उसके अंदर क्या कुछ अपग्रेड है। आवाज बंद कर देना। यस भाई, बात करते हैं दूसरी गाड़ी में क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ चेक कर सकते हैं ऑल्टो फोल्ड मिरर लगाए गए हैं हमारे, ये पूरे हमारे महिंद्रा जेन्युइन रहने वाले हैं। प्रॉपर वर्किंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और बात करें इसमें और क्या कुछ अपग्रेड है तो चेक कराता हूँ मैं आपको साइड फेस से। तो ये देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे सॉफ्ट टच होने वाला है, हमारा पूरा डैशबोर्ड सॉफ्ट टच होएगा, जो कि हमारे सीट कवर की क्वालिटी में जो लेदर यूज़ हो रहा है उसी क्वालिटी में यहाँ पे हमारा सॉफ्ट टच भी होने लगा। साथ में यहाँ चेक कर सकते हैं हमारे सीट कवर की फिटमेंट वगैरह भी कर दी गई है, पूरे OEM तरीके से है। बकेट सीट कवर देखने को मिलेंगे और साथ में रिंकल प्रूफ काम आपको इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा वायरलेस चार्जर भी लगाया जा रहा है, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही वो लग जाएगा तो उसकी वर्किंग में आपको चेकआउट करा दूँगा। साथ में यहाँ पे हमारी एम्बेड लाइट भी लगने वाली है, जिससे गाड़ी की लुक जो है गाइस कई गुना एनहांस हो जाती है। और साथ में इसमें और कुछ भी यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जैसी गाड़ी का काम कंप्लीट होगा दिखाता हूँ आपको फाइनल लुक हमारी गाड़ी की क्या कुछ रहने वाली है, तो बनी रही है हमारी वीडियो के साथ। फाइनली भाई, वो गाड़ी का जो सारा काम था वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। क्या कुछ अपग्रेड था वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। बारी रिस्पॉन्स की, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूँ, जो हमने ऑटो फोल्ड मिरर किया था उसकी वर्किंग मैं आपको इंटीरियर में चल के दिखाऊंगा किस तरीके से हमारी यहाँ पे वर्किंग रहने वाली है। और बैक प्रोफाइल में यहाँ पे हमारा रियर गार्ड लगा है, तो उसकी मैं आपको चेक करा देता हूँ किस तरीके से रहने वाला है। तो ये देख लो भाई, यहाँ पे रियर गार्ड की फिटमेंट वगैरह यहाँ पे कर दी गई है। फिटमेंट वगैरह चेक कर लीजिए, प्रॉपर रहने वाली है, प्रॉपर आपके यहाँ पे बैक से जो है यहाँ पे पूरा प्रोटेक्ट करेगा, बहुत अच्छी इसकी स्ट्रेंथ भी और बहुत ज़्यादा हैवी भी रहने वाला है। मेन जो है इंटीरियर में चेक करवाते हैं क्या कुछ अपग्रेड है। तो भाइयों, आ चुके अब इंटीरियर में, इंटीरियर में हमने क्या कुछ यहाँ पे अपग्रेड करा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देता हूँ, जो कि हमारा यहाँ पे स्टीयरिंग रैप, स्टीयरिंग रैप चेक कर सकते हैं, फुल मून डिज़ाइन होने वाला है हमारा। और उसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिए स्टिचिंग कितनी प्रॉपर तरीके से करी गई है। और फिटमेंट तो भाई साहब पूरी OEM रहने वाली है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हल्का सा भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना एक्स्ट्रा कटिंग मिलेगी आपको यहाँ पे देखने को। और यहाँ पे फिटिंग देख लीजिए, फिटिंग कितनी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करी गई है, और हर एक स्टिचिंग पे यहाँ पे देख लीजिए कितनी बारीकी से ध्यान दिया गया है। ग्रिप वगैरह गाइस इस पे बहुत अच्छी बनने वाली है, स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं होगा और गाड़ी चलाने में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कंपनी हमें यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं देती है, वो भी देती है तो मैट ब्लैक में देती है एक तरफ का, तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ के यहाँ पे चेंज करे हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया है, चेक कर सकते हैं। पूरा ग्लॉसी के अंदर रहने वाला है, और जो कि हमारा जेन्युइन पीस रहता है, जेन्युइन ही लगाया हमने महिंद्रा का, चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, हमने MRD कंट्रोल्स लगाए, वो भी हमारे पूरे ग्लॉसी में रहने वाले, जैसे टॉप मॉडल ब्लू को आती है ना आपकी गाइस, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट बात करें इसमें और क्या कुछ यहाँ पे अपग्रेड है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं गाड़ी को और लग्जरी बनाने के लिए, तो हमने यहाँ पे लगा दी है एम्बेंट लाइट की। पहले तो फिनिशिंग देख लो गाइस कितनी प्रॉपर रहने वाली है, और उसके बाद फिटिंग देखो, ये देखो गाइस हल्की सी भी यहाँ से फिटिंग वगैरह जो है वो बाहर की तरफ नहीं आ रही है। और ये देखिए, यहाँ पे तो और बारीकी से ध्यान दिए गए, देख सकते हैं आप गाड़ी के लुक को यहाँ से यहाँ ले जाया गया है।
बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी, और लुक जो है वो भी काफ़ी इन्हेंस हो रही है हमारी गाड़ी की। साथ में यहाँ चेक कर सकते हैं जो इंटीरियर किट्स आती है हमारी, ग्रैब हैंडल वगैरह, ये भी हमारा पूरा ग्लॉसी ब्लैक में लगाया गया है। फिनिशिंग चेक कर लीजिए और फिटमेंट देख लीजिए, प्रॉपर आपकी ये देखने को मिल जाएगी। गाइस एक चीज़ नई आ चुकी है हमारे पास, एम्बिएंट लाइट। इसमें भी आपको एम्बिएंट लाइट देखने को मिलेगी, अगर आपको वो लगवाना है तो ये भी आपको एम्बिएंट लाइट के अंदर देखने को मिल जाएगा। पूरा एम्बिएंट लाइट से ही बना होता है, ये बहुत अच्छी लगती है लुक, काफ़ी लोगों ने लगाया भी है, आप हमारी रील्स भी देख सकते हैं। जियो ऑटो ऑफिशियल के नाम से करके हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, आप उस पर जाइए, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे हर गाड़ी के। उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो किसी भाई को ये स्विचेस प्लेट्स वगैरह सब कुछ ग्लॉसी करवाना तो वो भी करवा सकते हैं। हमारा इनर हैंडल हो गया, अब उसको भी यहाँ पे टॉप मॉडल वाला जो सिल्वर कलर का आता है वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। अब जो मैंने बताया था आपको, इसमें ऑटोफोल्ड मिरर लगाया हमारा, तो ऑटोफोल्ड मिरर की आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। ये देखिए, वन टच पे ही यहाँ पे मिरर फोल्ड, वन टच पे ही मिरर जो है अनफोल्ड। एडजस्टमेंट करनी है, सिंपली डायल घुमाओ जिस तरफ का मिरर आपको यूज़ करना है। ये है हमारा अप, ये हमारा डाउन, ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट। अंदर से ही आपको एडजस्टमेंट वगैरह सब देखने को मिल जाती है, और साथ में इसके ऊपर हमने किया है डोर के ऊपर लेदर रैप। चेक कर सकते हैं, लेदर रैप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे लेदर यूज़ किया गया। और साथ में यहाँ चेक कर लीजिए स्क्रैच वगैरह की भी आपको, ये देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी, स्क्रैच आपको हल्के से भी देखने को नहीं मिलेंगे। चेक कर सकते हैं, स्क्रैच प्रूफ रहने वाला। और साथ में यहाँ पे हमने करा है सॉफ्ट टच, सॉफ्ट टच भी यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसकी जो हमारी सॉफ्ट टचनेस होने वाली है ये भी हमारी कम नहीं होगी, जो अभी दब रहा है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा, ये नहीं कि पूरा पिचक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टिचिंग चेक कर लीजिए, स्टिचिंग कितनी बारीकी से यहाँ पे करी गई है। उसके बाद मेन जो है गाइस हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड के पार्ट को हम कैसे ही छोड़ सकते हैं, तो डैशबोर्ड पे भी यहाँ पे पूरे में हमने लेदर रैप किया है। फिनिशिंग देखो, स्टिचिंग की पूरी प्रॉपर तरीके से करी गई, ये देख सकते हैं बारीकी से यहाँ पे पूरा काम किया गया है, हर एक जगह पे यहाँ पे ध्यान दिया गया, और चेक कर सकते हैं फिनिशिंग कितनी प्रॉपर रहने वाली है। साथ में इसमें और क्या कुछ अपग्रेड है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारे प्रीमियम सीट कवर्स, चेक कर सकते हैं प्रीमियम सीट कवर्स रहने वाले हैं। लुक चेक कर लीजिए, लुक भी बिल्कुल एक नंबर रह रहे हैं, और पूरा यहाँ पे टॉप मॉडल वाली आपको लुक यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, जो टॉप मॉडल में लग के आते हैं वैसे ही रहने वाले, लेकिन फर्क इतना ही रहेगा कि उनकी क्वालिटी से हमारे सीट कवर्स की क्वालिटी 10 गुना ऊपर है गाइस, क्योंकि ऐसे सीट कवर्स ना कंपनी भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि इतनी प्रीमियम रहने वाली है। देख लीजिए सॉफ्टनेस, बकेट, ये देखिए बकेट, और उसके बाद थाई सपोर्ट, और साथ में रिंकल प्रूफ काम आपको इसमें देखने को मिला है, और प्रॉपर फिनिशिंग वाला काम आपको देखने को मिला है। लेदर क्वालिटीज़ भी इसमें बहुत अच्छी यूज़ करी गई है, फटेगा नहीं जल्दी, स्क्रैच नहीं आएगा, अगर कुछ भी डैमेज वगैरह होता है जैसे सिलाई उतर गई, हमारे यहाँ पे पपड़ी वगैरह आ गई, तो आप इसको सिंपली लेके आओ, हम रिप्लेस करके देंगे 5 साल तक, 5 साल की वारंटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पे करा हमने सॉफ्ट टच, जो कि आमरश के ऊपर रहने वाला है, देख सकते हैं फिटिंग, देखिएगा इस फिटिंग पे पूरा ध्यान दिया जाता है, देख सकते हैं हल्का सा भी कपड़ा भार नहीं है, और यहाँ पे देखिए कितनी सॉफ्टनेस है, आप जब इसको खुद फिजिकली टच करोगे ना तब आपको पता चलेगा कितना ही ज़्यादा हमारा ये सॉफ्ट रहने वाला है। चेक कर लीजिए, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और उसके बाद बात करें इसमें और आप क्या कुछ करवा सकते हैं, इसके अंदर किसी भाई को मैटिंग वगैरह करानी है, जैसे कस्टमर की नीड नहीं थी, उन्होंने नहीं करवाई, फिर भी किसी को करवानी हो तो आप मैटिंग वगैरह भी करवा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो आप यहाँ पर करवा सकते हैं। तो गाड़ी में तो बेसिकली यही कुछ हुआ था, किसी भाई को इससे भी कुछ ज़्यादा करवाना हो तो आप वो भी करवा सकते हैं हमारी शॉप जेवट करोल बाग में। बाकी वीडियो को करते हैं एंड, जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।